देश में दो तरीके के माफिया हुए, एक जिन्होंने देश के खिलाफ गद्दारी करके माफिया बनने का रास्ता चुना, तो वहीं दूसरी ओर जिन्होंने कितने भी कृत्य किए हों, कितने भी कुकृत्य किए हों, लेकिन उनके जानने वाले से जब आप मिलेंगे तो वो ऐसे बताएंगे कि जैसे वो शख्स रॉबिनहुड हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका से रूबरू हो चुके हैं। आज हम यूपी के पूर्वांचल से एक ऐसे माफिया, एक ऐसे बाहुबली के साथ आपको रूबरू कराएंगे जिसका नाम है धनंजय सिंह। जी हाँ, कहते हैं कि पूर्वांचल की माटी और आबोहवा में एक ऐसा आयरन पाया जाता है जो ना केवल यहाँ के लोगों को बहादुर बनाता है, ना केवल यहाँ के लोगों को निडर बनाता है, बल्कि यहाँ के लोगों को किसी से ना डरने वाले प्रवृत्ति का भी बनाता है। ऐसे ही एक प्रवृत्ति के माफिया कहें या फिर बाहुबली, जिनका नाम है धनंजय सिंह। धनंजय सिंह का जीवन शुरू से ही आपराधिक छवि का रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब वो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तभी से उनका जीवन, या फिर ये कहें कि वो अपने जीवन में आपराधिक गतिविधियों को संलिप्त करते हुए आए हैं, और इसीलिए आज मुझे कहना पड़ रहा है कि वो एक बाहुबली हैं या फिर ये कहें कि एक माफिया हैं। धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को हुआ था। वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। और आपको बता दें कि ये कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म जौनपुर में हुआ था, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार ये प्राप्त हुआ कि इनका जन्म कोलकाता के वेस्ट बंगाल में हुआ था। आपको बता दें कि इनकी जो आपराधिक छवि है वो शुरू से ही रही है। 2002 में इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत होती है। रारी विधानसभा से इन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा 2002 में। निर्दल प्रत्याशी थे और पहली बार उन्होंने जीत हासिल की। 2002 से लेकर 2009 तक ये रारी विधानसभा से विधायक रहे और उसके बाद 2009 से 2014 तक बसपा से लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद सांसद बने। उसके बाद इनके जीवन में एंटी क्लॉकवाइज सुई घूमनी स्टार्ट हो गई। 2012 में जागृति, जो इनकी पत्नी थी, रारी विधानसभा से चुनाव लड़ी और हार गई। 2014 में ये निर्दल प्रत्याशी लोकसभा के थे, उसके बाद ये फिर चुनाव हार गए। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी प्रत्याशी रहे, निषाद पार्टी ने इन्हें टिकट दिया, लेकिन फिर ये चुनाव हार गए। 2020 में वहाँ पे उपचुनाव होता है, उसमें भी ये प्रतिभागी रहते हैं, प्रत्याशी रहते हैं, लेकिन फिर चुनाव हार जाते हैं। एक बार फिर से 2022 में ये जनता दल यू के उम्मीदवार हैं और इस बार फिर से ताल ठोकते हुए 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, जो 7वें चरण पे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार चुनाव लड़ते लड़ते इन्होंने कहा, मेरी लड़ाई सपा के कैंडिडेट से नहीं है, मेरी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। और ये बात तभी से चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने 3 शादियां की हैं। दरअसल 2006 में इन्होंने अपनी पहली पत्नी से शादी की, जिनका नाम था मीनू सिंह। उसके बाद साल बीत ही नहीं पाया कि मीनू सिंह ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद इनके जीवन में एक और महिला आई, जिनका नाम था जागृति सिंह। जागृति सिंह से इन्होंने शादी की और उसके बाद जागृति सिंह से इनका तलाक हो गया। जागृति सिंह से तलाक होने के बाद धनंजय सिंह ने तीसरी शादी की, जिनका नाम था श्रीकला रेड्डी। श्रीकला रेड्डी तेलंगाना में एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो पहले से तलाकशुदा हैं, उनसे इन्होंने शादी की। धनंजय सिंह एक बार फिर 2022 का ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और जो कि रारी विधानसभा सीट थी, परसीमन के बाद मल्हानी कर दी गई है। मल्हानी से ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता दल यू के कैंडिडेट हैं, और इस बार इनकी लड़ाई सपा से है, सपा से कैंडिडेट से नहीं, बल्कि सपा के समाजवादी पार्टी पूरे परिवार से है। और इस एक बार ये फिर से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार विधानसभा या फिर लोकसभा का चुनाव हारते हारते क्या इस बार जनता इन्हें लखनऊ पहुंचाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके पहले आपको एक बात बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गत 5 जनवरी को एक बयान जारी किया था, एक बयान नहीं बल्कि एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था, जिसमें एक वीडियो था जिसमें धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने एक बात लिखी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो माफियाओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के माफिया नेता क्रिकेट खेल रहे हैं। इस प्रकार का स्वर अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ से मेरा निवेदन है कि IPL के तर्ज पे MBL यानी माफिया भाजपा लीग शुरू करनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को। और ये पूरे बयान एक समय कह सकते हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 का ये विधानसभा चुनाव जो कि अपने लास्ट चरण में है, 7 तारीख को वोटिंग होनी है और इस बार मल्हानी सीट से धनंजय सिंह लड़ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि लगातार हार के बाद क्या जनता दल यू से एक कैंडिडेट हैं क्या सपा को पटगनी दे पाएंगे, क्या सपा के प्रत्याशी को वहां से मल्हानी सीट से जो कि जौनपुर जिले की एक विधानसभा सीट है वहां से हरा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।